नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केविन क्लोडिया। आज का जो ये वीडियो है खास भी है और बहुत ही काम का है आपके लिए और हम सबके लिए। वीडियो में बताने वाले एक फ्रॉड के बारे में, आप सोच रहे हो कि और ये निकल जाओगे वीडियो क्लोज करके कि फ्रॉड के बारे में हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हर रोज़ फ्रॉड होते ही है। लेकिन ये वाला जो फ्रॉड है वो थोड़ा डिफरेंट है, नई टेक्निक मार्केट में आई है फ्रॉड की। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, कुछ आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो फ्रॉड हुआ है फ़ोनपे के द्वारा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे फ़ोनपे के जो फ्रॉड होता है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं हमको, पेटीएम के गूगल पे के बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेपल के उसके फ़ोनपे के फ्रॉड बहुत कम होते हैं क्योंकि ऐप इतनी सिक्योर है और आपको बहुत सारे लोग इनको यूज़ भी करते हैं, बहुत पॉपुलर भी हो चुकी है इनकी ऐप। तो ये इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बात करते हैं फ्रॉड के बारे में, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो जो गुजरात की एक लड़की है उसके साथ फ्रॉड हुआ है 20,095 रुपीज़ का। ये जो फ्रॉड है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आपने कभी नहीं थोड़ा देखा होगा इसके फ्रॉड के बारे में, ना ही कभी सुना होगा। ये नई टेक्निक आई है और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं और होने भी वाले हैं बहुत आगे के टाइम पे। तो क्या हुआ है फ्रॉड में, तो एक बंदे ने कॉल किया उस लड़की को कि भैया आप बहन, आपको यहाँ पे 4799 का कैशबैक मिला है, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आपको उस लिंक को ओपन करना है, बाद में आपके अकाउंट में 4799 आ जाएगी। आपने सोचा, आप अमाउंट देख रहे हो 4799, आपको लगेगा कि भैया कैशबैक जैसा कुछ होगा क्योंकि कैशबैक जो अमाउंट होता है वो ऐसे ही रेंडमली आकर 999 999 ऐसे ही रकम में होते हैं। तो यहाँ पे आपको आसानी से विश्वास आ जाएगा, इसीलिए वो बंदे ने ऐसे ही यहाँ पे रकम लेगी 4799। उसने यहाँ पे राउंड फिगर नहीं किया 4800 5000 ऐसा। तो बाद में उस लिंक लड़की ने लिंक को ओपन किया, लिंक आई तो, लेकिन उसको कुछ देखने को नहीं मिला, वो सबको पता है। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या हुआ भाई वो बताइए। तो यहाँ पे उसने मैसेज किया उसको, भाई मुझे कुछ कैशबैक नहीं मिला, आप कह रहे थे कैशबैक मिलेगा। तो उसने बंदे ने क्या कह कि इसमें आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपीज़ होने चाहिए, अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ होगा तो ही कैशबैक मिलेगा। तो लड़की ने चेक किया होगा नहीं किया होगा, उसके अकाउंट में बैलेंस होगा नहीं होगा वो कुछ इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन उसने अपना दूसरे अकाउंट का नंबर दिया, शायद उनके अकाउंट में 1000 रुपये नहीं होगा तो दूसरे अकाउंट का नंबर दिया, भाई मेरे ए अकाउंट में डाल दीजिए। बाद में जो हुआ है वो अब क्या बताऊँ मैं, 8 ट्रांजेक्शन हुआ, कितना 8 ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट से हुआ, वो भी आप देखेंगे अगर उनके अमाउंट तो भी आप चौंक जाएंगे कैसे हुआ। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे 4799 के 2, 1499 के 2, 4000 के, 4999 के, 999 के, ऐसे ट्रांजेक्शन हुआ। टोटल अमाउंट जो उनके खाते से निकल गई डेबिट हुई 20,095 रुपीज़, करीब 20,000 रुपीज़ उनके खाते से निकल गई, वो भी 5 मिनट में ही। यहाँ पे धड़ाधड़ मैसेज आने लगा कि योर अकाउंट से इतने रुपए डेबिट बैंक वालों से, कुछ कर नहीं सकती लड़की। यहाँ पे 5 दिन बाद उसने अपनी जो कंप्लेंट है उसने साइबर क्राइम में बताई कि कॉल करके साइबर क्राइम में मेरे साथ ये था हुआ है, 6 जून को हुआ था। उसने 5 दिन बाद बताई तो साइबर क्राइम ने कहा कि आपके जो नजदीक में पुलिस थाना है वहाँ पर जाके उसका आपको केस दर्ज कीजिए। तो यहाँ पे केस दर्ज हुआ है तभी इन्फॉर्मेशन सामने आई, न कर तो हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती, क्योंकि जब भी ऐसे लोग के साथ फ्रॉड होता है ना तो वो लोग छुपाते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि यार क्या ऐसा तू बकवास है ऐसा है ऐसा ही, कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन कंप्लेंट करनी चाहिए, लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है, वो जो भी कहे, अगर आपके साथ फ्रॉड ना ही हो मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन कभी भी अगर हो थोड़े अमाउंट का क्यों ना हो, 500 रुपये का क्यों भी ना हो, कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि लोगों को उनके बारे में सतर्क रहेंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, जो फ्रॉड करने वाला है वो पकड़ भी जाएगा। तो पुलिस उस पर जांच कर रही है। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है भाई, सीखने तो बहुत कुछ मिलता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन ये जो तकनीक आई है फ़ोनपे की जो लिंक वाली वो नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है इसके बारे में, कोई लोग सामने नहीं आ रहे, कुछ किस्से सामने आते। अगर आपको ऐसे किसी भी पेटीएम फ़ोनपे कोई भी, अगर आपके जो सोशल मीडिया पर कोई भी जो पैसे भेजने वाली कोई भी ऐप अगर लिंक आए उसका या कॉल आए उसको ओपन मत कीजिए। कोई आपका वो मामे का लड़का नहीं है, ससुरा नहीं है, कोई भी वो आपका रिश्तेदार नहीं कि आपको मुफ्त में इतना कैशबैक देगा 4799 या कुछ भी अमाउंट, 500 रुपये 200 रुपये 100 रुपये भी कोई नहीं देगा इस टाइम पर अभी, या किसी भी टाइम पर आपको कोई नहीं देगा क्योंकि ना ही आपका वो रिश्तेदार है। तो इसको अगर लिंक आए तो ओपन मत कीजिए, अगर हो सके तो आप नज़दीक में पुलिस कंप्लेंट कीजिए उनके बारे में, और उनका जो मोबाइल नंबर वो रजिस्टर्ड करवाइए, बाद में वो पुलिस उनकी बराबर ले लेंगी अगर पुलिस वाला अच्छा होगा तो, पर ना वो भी जाने देता है, अब लोग कहाँ पे समझ रहे हैं, वो आपको बराबर लेगी, वो तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करोगे तो वो बंदा पकड़ जाएगा, तो किसी और के साथ नहीं कर पाएगा। बस दोस्तों यही थी कुछ फ्रॉड के बारे में कहानी, मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी कैसे ना सुझाव है कॉमेंट में डालिए,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। कैसे यहीं ऐसे ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग में लाता रहता हूँ रोज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।